Hello friends, welcome to Vet Bike again. My name is Dipesh Kumar Dabi. So in the last video we have completed all physiology paper of 2017. Now in this video we will complete 2017 anatomy paper 1. So first we will start with fill in the blanks. So let's start. The first filling in the blanks is the two fibers blend which extend from the fibrous layer of pericardium to the dorsal surface of the sternum are known as. तो पेरिकार्डिको स्टर्नल लिगामेंट इसका आंसर है जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. नेक्स्ट है द पुली लाइक ग्रूव्ड आर्टिकुलर सर्फेसेस इज नोन एज ट्रोक्लिया, ये तो आप जानते ही हैं. फिर है द लार्ज राउंड प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द बोन इज कॉल्ड ट्यूब्रोसिटी, ये जो है आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी होती है ऑस्टियोलॉजी जब स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट जो है द कोरोकॉइड प्रोसेस इज एब्सेंट इन, तो डॉग इसका आंसर है. कोरोकॉइड प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्मॉल प्रोजेक्शन होती है इन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला में होती है जो कि जो है डॉग में है एब्सेंट होती है. फिर है अ कोरोनरी ग्रूव सेपरेट्स ऑरिकल फ्रॉम, तो वेंट्रिकल जो कि कोरोनरी ग्रूव है वो वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, तो कोरोनरी ग्रूव और एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम भी बोलते हैं उसे. फिर है डैश पल्मोनरी आर्टरी इज द लार्जर इन ऑक्स, तो राइट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो लॉन्गर भी होती है और ब्रॉडर भी होती है, तो ये जो है लार्जर होती है. फिर है एपिग्लॉटिस इज एब्सेंट इन, तो स्पीशीज जो है वो बर्ड्स है, मतलब बर्ड्स जो है उसमें एब्सेंट होती है और स्पीशीज कौन सी है फाउल. फिर अपन चलते हैं राइट लंग ऑफ ऑक्स हैज डैश नंबर ऑफ लोब्स, तो फोर लोब होते हैं राइट लंग में, और जो अगर लेफ्ट की बात करता तो तीन होते हैं, तो फोर कौन कौन से हैं. एपिकल होता है, कार्डिक होता है, डायफ्रेगमेटिक होता है, या फिर एसेसरी या फिर इंटरमीडिएट कह सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नाइन्थ. डैश इज द लार्जेस्ट म्यूकस सैक विच अपीयर्स एज डाइवर्टिकुलम ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब इन हॉर्सेज, तो ये आपको याद रखना है गटरल पाउच जो है इसका आंसर है. फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस इज अनडिवाइडेड इन, तो डॉग इसका जो है आंसर है. फिर है फोरामेन ट्रायोस्टियम इज प्रेजेंट इन, तो फाउल में जो है फोरामेन ट्रायोस्टियम मिलता है, ये आपको याद रखना है. क्लेविकल स्कैपुला और कोरोकॉइड तीन बोन से मिलके जो है ये फोरामेन ट्रायोस्टियम बनता है. फिर जो है फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इज फॉर्म्ड बाय द पॉन्स एंड, तो मेडुला एब्लोंगेटा इसका आंसर है. फिर है वेगस नर्व एग्जिस्ट फ्रॉम द क्रेनियल कैविटी थ्रू, तो इसका जो आंसर है जुगलर फोरामेन, जुगलर फोरामेन से जो है वो कैविटी एग्जिट होती है, वेगस नर्व एग्जिट होती है. फिर जो है ट्रोक्लियर नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ सुप्रामेडुलरी बिहाइंड द इंफीरियर कॉलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन, या फिर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन से भी ये जो है जो नर्व जो है ओरिजिनेट होती है. और ट्रोक्लियर नर्व जो आप जानते होंगे क्रेनियल नर्व होती है फोर्थ, और एंड मोटर इन मोटर जो होती है इसका नेचर होता है, और ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कहाँ से निकल रही है. फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रिशनल ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग इज, तो ब्रोंकियल आर्टरी जो होती है वो न्यूट्रिशनल ब्लड सप्लाई करती है लंग को. ट्यूबर स्पाइन प्रेजेंट इन द स्कैपुला ऑफ, तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला जो कि ट्यूब स्पाइन से ट्रेपीजियस आके जुड़ती है, तो ये जो है ट्यूबर स्पाइन जो है वो स्कैपुला ऑफ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला भी सिचुएटेड होता है. फिर जो है द एक्सटेंशन ऑफ द प्लूरा ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर हेड ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स इज नोन एज, तो क्यूपुला इसका आंसर है. क्यूपुला जो होता है वो एक्सटेंशन होता है प्लूरा का. फिर जो है मस्कुलर टेंडिनियस स्ट्रक्चर विच डिवाइड्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज, तो डायफ्राम, ये तो बचपन से पढ़ा रहे हैं. फिर है डैश इज द नैरो पैसेज बिटवीन माउथ कैविटी एंड फेरिंग्स, तो ओरोफेरिंग्स जो होता है वो एक नैरो पैसेज होता है माउथ कैविटी और फेरिंग्स के बीच में. फिर लास्ट जो चलते हैं अपन डैश इज द लार्जर मस्कुलर बैंड विच एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम अक्रॉस द कैविटी ऑफ द वेंट्रिकल, तो मॉडरेटर बैंड जो आपको पिक्चर में भी क्लियर हो जाएगा. फिर अपन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज. तो पहला है रेडियल नर्व सप्लाइज टू, तो एक्सटेंसर मसल ऑफ द फोर लिम्ब को सप्लाई करती है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट जो कि रेडियल नर्व इज थिकेस्ट नर्व, ये आपको एक्स्ट्रा में पता होना चाहिए रेडियल नर्व थिकेस्ट नर्व होती है. नेक्स्ट जो है द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन द डॉग आर, तो 35 होती है. अगर एक्स्ट्रा पूछ ले तो ऑक्स में जो है 37, हॉर्स में 42, पिग में 39 और फाउल में 36, ये जो है एक्स्ट्रा आप जान याद रख सकते हैं. फिर है कॉर्निक्यूलेट प्रोसेस इज प्रेजेंट इन, तो एरिटेनॉइड कार्टिलेज जो कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा. फोर्थ अपन चलते हैं द पार्ट ऑफ इट वेयर डिफरेंट ब्लड वेसल्स ओपन इज, तो
इसका आंसर है सी, साइनस वेनरम भी होता है और ऑरिकल भी होता है, ये आपको याद रखना है। फिर है द इक्वाइंस, डायलेशन ऑफ ऑडिटरी ट्यूब्स इज फॉर्म गटरल पाउच, ये पहले भी आ रखा है और अभी भी जो है इसके अंदर आया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो है अनपेड फेशियल बोन ऑफ स्कल इज, तो बोथ होती है, वोमर भी होती है और मैंडिबल भी होती है, ये आपको याद रखना है। सेवन्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, तो शोल्डर जॉइंट है, याद आपको पता ही है। फिर इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन इज प्रेजेंट इन, तो मैक्सिलरी बोन, ये भी आप जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाई ऑर्थ्रोडियल जॉइंट इन द स्कल, तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर है सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन इज प्रेजेंट इन, तो फ्रंटल बोन में जो है सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। फिर है द कॉर्डल एक्सट्रीमिटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन हॉर्स टेपर्स टू द पॉइंट कॉर्डल टू द लंबर सेगमेंट इज रेफर्ड एज, तो कोनस मेडुलरिस, ये जो है इसने बहुत घुमा के पूछा है। एक तो पूछा है कॉर्डल एक्सट्रीमिटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन हॉर्स, मतलब एनिमल को आप देख लो, अब हॉर्स आता है हॉर्स टेपर्स, तो आपको ऐसा लगेगा कॉर्ड है इक्विनी है, पर आंसर क्या है मेडुलरिस, तो ये आपको जो है एग्जामिनर का माइंड भी आपको चेक करना पड़ता है। फिर है इन रुमिनेंट्स मैक्सिमम डोर्सो वेंट्रल डायमीटर ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इज एट द लेवल ऑफ, तो फर्स्ट लंबर वर्टिब्री, ये आपको पता होगा। फिर जो है ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इन द डायफ्राम इज कॉल्ड, तो हाइटस इसोफेगस, जो कि आपको पिक्चर में भी क्लियर हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं द क्रॉस सेक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल इज, तो क्रिसेंट्रिक शेप होता है, ये आपको याद रखना होगा। पिक्चर भी देख सकते होंगे आप गूगल पे भी, है ना, एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर सर्च कर सकते हैं कि कैसे शेप होती है, क्या होता है, इससे आपको क्या नॉलेज मिलता है और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आती है। फिर है एट द लेवल ऑफ द थोरसिक इनलेट वेंट्रल बाउंड्रीज इज फॉर्म्ड बाय, तो मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, जो कि फर्स्ट आंसर है वही है। फिर है द लेफ्ट किडनी ऑफ ऑक्स इज सिचुएटेड, तो इसका आंसर है वेरिएबल इन पोजीशन, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर रूमेन फुल हुआ तो वो बिलो भी हो सकती है, बिहाइंड द राइट किडनी भी हो सकती है, एट द लेवल ऑफ थ्री L3 L4 L5, और अगर खाली हुआ रूमेन तो सेम लेवल बट पार्टली एट लेफ्ट साइड ऑफ मीडियन प्लेन, तो ये अलग अलग जो है हो सकती है, तो वेरिएबल इन पोजीशन। फिर एपिकल ब्रोंकस अराइजेस एट द लेवल ऑफ, तो इसका जो है अगर आपको रिब्स में पूछे तो आपको हमेशा हमेशा याद रखना है थर्ड रिब जो है इसका आंसर है, पर अगर इंटरकोस्टल स्पेस पूछे तो इसका सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर है सीरिंग्स इज फाउंड इन, तो फाउल ये तो सबको पता है, फिल्टर मार प्रेजेंट इन ये भी सबको पता है, जल्दी जल्दी ये सब सही है, हॉर्स इसका आंसर है। फिर है टोरस लैंग्वेज फाउंड इन, ये भी आपको पता है, जल्दी बताइए। टंग स्टार्ट करते हैं, तो पहला है सिनडेस्मोसिस, तो इट इज़ अ फाइब्रस जॉइंट, मतलब एक ऐसा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट है बिटवीन टू बोन्स एंड लिंक्ड बाय अ लिगामेंट, लिगामेंट से ये लिंक्ड होता है। एग्जांपल आपको याद रखना है डिस्टल टीबियो फिबुलर सिनडेस्मोसिस इज अ सिनडेस्मोटिक जॉइंट, तो सिनडेस्मोटिक जॉइंट जो होता है वो टीबियो फिबुलर सिनडेस्मोसिस से बन रखा होता है, और इट गिव स्टेबिलिटी टू एंकल, एंकल को क्या है ये स्टेबिलिटी देता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं पाइगो स्टाइल, तो प्लेट ऑफ बोन विच फॉर्म द पोस्टीरियर एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ऐसी प्लेट बोन की बनी हुई है जो वर्टिब्रल कॉलम के पोस्टीरियर एंड में सिचुएटेड है। फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ लास्ट कॉर्डल वर्टिब्री एंड सपोर्ट यूरोपाइजियम, अब आप पूछेंगे यूरोपाइजियम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ डैट पार्ट वेयर टेल फेदर ग्रो, ठीक है, टेल के फेदर जहाँ ग्रो होते हैं उसे यूरोपाइजियम बोलते हैं। नेक्स्ट अपन का क्वेश्चन है लॉन्ग बोन, तो आप जानते ही हैं लॉन्ग होलो सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ बोन फाउंड इन लिम्ब, ये आप सबको पता है, इट हैव बॉडी और शाफ्ट जिसे बोलते हैं, दो एक्सपांडेड एंड होते हैं और कंटेन मेडुलरी कैविटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके एग्जांपल क्या है, यस आप सही हैं, यूमरस और फीमर। फिर अपन चलते हैं लिगामेंट, तो लिगामेंट क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल ऑफ जॉइंट, ये आपको याद रखना है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू अदर बोन, ठीक है, बोन से बोन कनेक्ट करता है, बी, ठीक है। प्रिवेंट कंसिडरेबल मूवमेंट, इसमें क्या होता है, कंसिडरेबल मूवमेंट होता है, जॉइंट जो है कैप्सूल कोलेटर लिगामेंट, ये सारे जो है इसके एग्जांपल्स हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट ग्लिनोइड कैविटी, तो शैलो डिप्रेशन ऑन अ बोन इनटू विच अनदर बोन फिट्स टू फॉर्म अ जॉइंट, ऐसी बोन के अंदर जो डिप्रेशन आ रखा है उसमें अनदर बोन फिट होती है उस जॉइंट को, क्या वो उस जॉइंट को जो है ग्लिनोइड कैविटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा स्कैपुला इनटू विच हेड ऑफ ह्यूमरस फिट्स एंड फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट, तो उसमें जो है ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है, तो ये कैविटी है, डिप्रेशन है, ये आपको याद रखना है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनसार्कोसिस, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो पहला जॉइंट जो होता है वो सिनसार्कोसिस होता है, विच इज इन बिटवीन बोन एंड मसल टिश्यू, वेयर सब स्कैपुलर मसल जॉइन द स्कैपुला विथ रिब, स्कैपुला के अंदर जो है सब स्कैपुलर मसल का जो है जॉइंट होता है उसका जो है हम सिनसार्कोसिस बोलते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं एनलिस द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन मतलब वेंट्रिकल मतलब आप क्या समझते हैं, वेंट्रिकल का मतलब होता है CSF जो जिसके अंदर फिल्ड हो रखा होता है उसे अपन क्या बोल देंगे वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टम इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेटिंग कैविटीज विद इन ब्रेन, ठीक है। अब इसके जो है चार वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको ब्रीफ बता दूँ बस। तो पहला है फर्स्ट जो है फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल भी बोलते हैं, तो दो हो गए फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल या फिर लेटरल वेंट्रिकल, वो कि ब्रेन हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। फिर सेकंड जो है थर्ड वेंट्रिकल, तो ये क्या होता है इन डायन्सेफेलॉन विथ ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर है फोर्थ वेंट्रिकल इन बिटवीन पॉन्स मेड्यूला एंड सेरिबेलम, और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूँ थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाले डक्ट को क्या बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये आपको याद रखना है, ये ज़्यादातर पूछते हैं क्वेश्चन। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं हाउ इज़ द हार्ट कैप्ट इन पोजिशन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिकार्डियम जो होता है कीप्स द हार्ट इन पोजिशन एंड प्रिवेंट ओवर डायलेशन ऑफ द हार्ट, ये आपको याद रखना है पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम इज अटैच टू द डोर्सल सर्फेस ऑफ द स्टर्नम बिटवीन टू लेफ्ट और राइट पेरिकार्डियको स्टर्नल लिगामेंट, ये आपको याद रखना है पेरिकार्डियको स्टर्नल लिगामेंट, ये लिख दिया मतलब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर इसकी पोजीशन आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए पता होनी चाहिए कि बेस अपवर्ड होता है, अपेक्स डाउनवर्ड होता है, कोन शेप्ड ऑर्गन होता है, वेंट्रल हाफ ऑफ द मिडल मेडियस्टिनम में प्रेजेंट होता है, और इसका बेस जो है थर्ड रिब से सिक्स्थ रिब तक होता है, और अपेक्स अपोजिट टू द सिक्स्थ कॉन्डोस्टर्नल जॉइंट, तो ये सारी एक्स्ट्रा जानकारी है। फिर अपन चलते हैं इंसुला रूमिनलिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्प्लैंकनोलॉजी का, राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव विस्ट्रल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू डोर्सल एंड वेंट्रल ब्रांच, जो कि रूमन का अंदर जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है राइट और लेफ्ट, तो अपन राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की बात कर रहे हैं, वो डिवाइडेड हो रखी होती है विस्ट्रल सरफेस डोर्सल और वेंट्रल ब्रांच के अंदर, और वो जो है एनक्लोज करती है एक इलॉन्गेटेड स्वेलिंग को, उसे अपन बोलते हैं इंसुला रूमिनलिस। ये जो है आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, ये डेफिनेशंस बहुत पूछते हैं। फिर है सब लंबर फोसा, सॉरी पैरा लंबर फोसा, तो बिटवीन लास्ट रिब एंड ट्यूबर कॉक्सी अ ट्राइंगुलर डिप्रेशन इन ईच साइड ऑफ रूमिनेंट एनिमल इज कॉल्ड पैरा लंबर फोसा, ये आपको याद रखना है एब्डोमिनल कैविटी का एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस ऑफ द फोसा फॉर्म बाय द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्री, लंबर वर्टिका ट्रांसवर्स प्रोसेस आ गया, अपेक्स इज एट डिस्टल एंड ऑफ लास्ट, ये सारी जो है जानकारी आपको ये पता होनी चाहिए। फिर अपन चलते हैं एपिप्लोई फोरामेन, तो इसे और क्या बोलते हैं फोरामेन ऑफ विंस्लो, ये भी इंपॉर्टेंट है स्प्लैंकनोलॉजी के पार्ट जो है डेफिनेशंस में बहुत पूछते हैं, तो आपको रटना पड़ेगा ये। इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्रेटर सैक, ग्रेटर सैक जो होता है वो पेरिटोनियल कैविटी का होता है, और लेसर सैक जो है ओमेंटल बर्सा होता है, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ग्रेटर सैक का लेसर सैक के साथ उसे अपन बोलते हैं एपिप्लोइक फोरामेन। फिर अपन चलते हैं ओमेंटम, ओमेंटम क्या होता है एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, अब आपने पेरिटोनियल कैविटी पहले भी पढ़ा, अब आप सोच रहे होंगे पेरिटोनियम है क्या, तो एक मेसोथेलियम है जो कि लाइन करती है थिन मेम्ब्रेन लाइंस द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी को लाइन करने वाली को पेरिटोनियम बोलते हैं। तो ये जो है डबल फोल्ड होता है ओमेंटम ऑफ पेरिटोनियम कनेक्टिंग द स्टमक टू अनदर विसरल ऑर्गन, ठीक है। लेसर ओमेंटम की बात करें तो लेसर ओमेंटम जो है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को लीवर से कनेक्ट करता है, और ग्रेटर ओमेंटम जो होता है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को किससे कनेक्ट करेगा ट्रांसवर्स कोलन से, तो ये आपको याद रखना है। अब अपन चलते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स पे, तो पहला जो है वो है कोर्स ऑफ इसोफेगस, तो ये आपको डायग्राम जो है बहुत ओरिजिनल दे रखा है, आप उसमें ढंग से देखें। स्टार्ट फेरिंग्स होता है इसोफेगस है आपको पता है, एंड कहाँ होता है स्टमक में, शुरू में ये ट्रेकिया और लॉन्गस कोलाई मसल के डोर्सल सरफेस में चलती है, बहुत खिचड़ी पकने वाली है आप ध्यान से सुनेगा, पहले जो है ये ट्रेकिया और लॉन्गस कोलाई मसल के डोर्सल सरफेस में चलती है, फिर ये C3 से लेफ्ट सरफेस की ओर मुड़ती है, और कहाँ तक चलती है C6 तक, C क्या है
ये आपको पता होना चाहिए, सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। फिर है इसोफेगस के साथ लॉन्गेस्ट कोलाई मसल, वेसो सिंपथेटिक ट्रंक, कॉमन कैरोटिड ट्रंक एंड जुगलर वेन भी चलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती है इसोफेगस के साथ। पहली कौन सी है? लॉन्गेस्ट कोलाई मसल, दूसरी है वेगो सिंपथेटिक ट्रंक, और तीसरी है कॉमन कैरोटिड आर्टरी या ट्रंक, या फिर फोर्थ है जुगलर वेन। ये सारी साथ चलती है। अब थॉरेक्स में ये थॉरेसिक इनलेट से एंटर होते हुए ट्रेकियल बाइफर्केशन तक जाते हुए मीडिया स्टिनम में एंटर होती है, ठीक है। अब मीडियम में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकती है मीडिया स्टिनम में। पहले ये मीडियल प्लेन के राइट की तरफ जाएगी, फिर पीछे से आगे की ओर और जाएगी, फिर वापस मीडियन प्लेन के लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी और आगे जाकर यह एब्डोमिनल कैविटी में खुलेगी। इस दौरान यह हार्ट के बेस से गुजरती है, साथ में वेगस नर्व भी चलती है और मीडिया स्टेनम लिम्फ नोड भी आते हैं। आखिर में ये स्टमक में ओपन होती है एट डोम शेप्ड एरिया बिटवीन डोर्सल सैक ऑफ रूमन एंड रेटिकुलम नोन एज एट्रियम वेंट्रिकुलाई। तो ये जो है कोर्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप कैसे भी, मैंने हिंदी में जितना आसानी से समझा सकता था उतना समझा दिया है मैंने, ठीक है। फिर अपन चलते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्स। तो सेकेंड सर्वाइकल ए टिपिकल वर्टेब्रा जो होती है वो होती है नेम एक्सिस इज ड्यू टू। अब आप बोलेंगे ना एक्सिस नाम क्यों रखा, क्योंकि स्कल अलोंग विथ एटलस रोटेट्स पार्शियली अराउंड इट, ठीक है। इसके ऊपर रोटेट करता है अपना हेड। फिर बॉडी इज लॉन्ग एंड वेंट्रल स्पाइन इज एक्सटेंडेड कॉर्डली, ठीक है। क्रेनियल एंड ऑफ द बॉडी इज मॉडिफाइड इनटू प्रोजेक्टाइल प्लेट नोन एज ओडोन्टॉइड प्रोसेस और डेंस। तो क्रेनियल एंड जो होता है बॉडी का, ये मॉडिफाई हो जाता है इन प्रोजेक्टेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में, उसे अपन बोलते हैं ओडोन्टॉइड प्रोसेस और डेंस, ठीक है। फोरामेन ट्रांसवर्सियम इज अ नैरो ट्रांसवर्स प्रोसेस आर अनडिवाइडेड एंड प्रोजेक्टेड बैकवर्ड। ट्रांसवर्स प्रोसेस अनडिवाइडेड होते हैं, प्रोजेक्टेड बैकवर्ड होते हैं। विथ एटलस ओडोन्टॉइड प्रोसेस जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है टू फॉर्म पाइवट जॉइंट या फिर एटलो एक्सल जॉइंट। तो ये जो है एक्सिस होती है ऑक्स की। फिर अपन चलते हैं बाउंड्रीज ऑफ जुगलर फरो। तो ये अपन ने जो है 2016 पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है, इधर आपको मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ। तो अपर बाउंड्री जो है वो लोअर पार्ट ऑफ ब्रेकियो सिफेलिकस से बनती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है लोअर बाउंड्री जो है स्टर्नो मेडिब्यूलरिस, ठीक है, स्टर्नो मेडिब्यूलरिस, ये आपको इस लोअर बाउंड्री बनाती है। फिर मिडिल बाउंड्री स्टर्नो मेस्टोडियस, ठीक है, मेस्टोडियस स्टर्नो मेस्टोडियस जो है मिडिल बाउंड्री बनाती है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वो है राइट वेंट्रिकल। तो इट फॉर्म राइट एंड क्रेनियल पार्ट ऑफ द हार्ट, ये आपको याद रखना है राइट वेंट्रिकल का। आप सब जानते हैं राइट और क्रेनियल पार्ट ऑफ द हार्ट बनाती है। दिस इज अ थिक वॉल्ड कॉनिकल चैम्बर रिसीव्स ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम थ्रू ट्राइकस्पिड ओरिफाइस एंड डिस्चार्ज इट थ्रू द कोनस आर्टेरियोसस इनटू पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। द वॉल इज अनइवन इंटरनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर बीम नोन एज ट्रेबेकुलर कॉर्नी, ये आपको याद रखना है। ट्रेबेकुलर कॉर्नी जो है अनइवन जो है इंटरनली, ये जो है मस्कुलर बीम जो निकलती है वॉल के अंदर वो उसे ट्रेबेकुलर कॉर्नी बोलते हैं। सम ऑफ दिस मस्कुलर प्रोमिनेंस प्रोजेक्ट इन टू कैविटी एंड गिव अटैचमेंट टू द कॉर्नी टेंडिनी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेपिलरी मसल्स। तो ये भी आपको याद रखना है। और मॉडरेटर बैंड ऑल्सो फाउंड विच प्रिवेंट एक्सेस डायलेशन ऑफ द हार्ट। तो मॉडरेटर बैंड भी काफ़ी बार पूछते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अपन चलते हैं हमारा ये क्वेश्चन जो है मेनिंजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसको मैं डिटेल से समझाता हूँ। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर एनक्लोज्ड बाय थ्री मेम्ब्रेन्स कवरिंग फॉर देयर प्रोटेक्शन, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने तीन मेम्ब्रेन बनाई जिसके अंदर वो प्रोटेक्शन देती है। दिस कवरिंग आर मेनिंजेस, उसे अपन ने क्या बोल दिया, मेनिंजेस। दे आर ड्यूरामेटर अरेक्नॉइड पायामेटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड। पहले चलते हैं अपन ड्यूरामेटर। आउटर मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड टफ फाइब्रस कवरिंग जिसे हम ड्यूरामेटर बोलते हैं, क्रेनियल ड्यूरामेटर लाइन इनर सरफेस ऑफ क्रेनियल कैविटी, ये आपको याद रखना है। क्रेनियल ड्यूरामेटर किसको लाइन करता है, इनर सरफेस ऑफ क्रेनियल कैविटी। फोल्ड्स ऑफ ड्यूरामेटर फॉर्म पार्टीशन विच प्रोजेक्ट्स बिटवीन मेजर डिविजन ऑफ ब्रेन एंड डिवाइड क्रेनियल कैविटी इंटू इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, फॉक्स सेरेब्राई, टेंटोरियम सेरेब्राई, डायफ्राम सिले,
Spinal duramator starts from the foramen magnum and terminates at the middle of the sacrum. Unlike the cranial duramator, its external surface is separated from the wall of spinal canal, and space between spinal canal and duramator, which remains filled with alveolar and adipose tissue, is known as epidural space. अब आप इतने सवाल सोच रहे होंगे epidural space क्या है? तो epidural space क्या है? कि duramator का जो है spinal canal और duramator के बीच में खाली जगह बच जाती है, वहाँ पे adipose tissue या alveolar tissue जो है वो फिल्ड हो जाता है, उसे अपन बोलते हैं एपिडोरल स्पेस। तो ये था ड्यूरामेटर। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन एरिकनॉइड। तो इट इज अ वेरी थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन, ठीक है, बहुत थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन है, ये सब जानते हैं। स्पेस बिटवीन एरिकनॉइड एंड पायामेटर इज नोन एज सब एरिकनॉइड स्पेस। ये भी जो है CSF में फिल्ड हो जाता है। फिर अपन चलते हैं पायामेटर। तो पायामेटर जो है इनर मोस्ट है, डेलिकेट मेम्ब्रेन है, कंपोज ऑफ वेरी माइन्यूट ब्लड वेसल्स है और फाइन एल्वोलर टिश्यू से भरा रहता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है टीलाकोंड्रिया इज बाइलेमिनार फोल्ड, या वो याद रखना है कोरोड्राई, और नेक्स्ट जो है लेमिना स्पेंडेंस, ठीक है, इज अ थिकनिंग ऑफ पायामेटर, और नेक्स्ट जो है डेंटिकुलेट लिगामेंट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पॉन्स। तो आल्सो कॉल्ड पॉन्स वैल्यूलाई, ये क्या होता है, पार्ट होता है किसका, हाइंड ब्रेन का। लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर, और ये कहाँ मिलता है, इन बिटवीन बिलो तो मिड ब्रेन के, अबव किसके, मेडुला ओब्लोंगेटा के, और फ्रंट किसके, सेरिबेलम के। ये आपको जगह याद हो गई। मेनली कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर फ्रॉम ब्रिज बिटवीन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेरिबेलम, ठीक है, दो हेमिस्फीयर ऑफ सेरिबेलम, ठीक है, कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन वाया बंडल ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। पॉन्स के जो है दो पार्ट होते हैं, वेंट्रल रीजन और डोर्सल रीजन। तो वेंट्रल वाला जो होता है सिंपथेटिक रिले स्टेशन के काम करता है और कंटेन करता है न्यूक्लियोलाई, ठीक है। अब डोर्सल रीजन की बात करें, वो असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक, न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व, जैसे कि ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलो कॉक्लिया, ये सारे जो है नर्व जो है क्रेनियल नर्व कंडक्ट करता है, और उसके अदर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि न्यूमोटैक्सिस सेंटर, एपिनिस्टिक सेंटर, ये ऑपरेट इन कॉन्जुगेशन विथ रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला ओब्लोंगेटा टू कंट्रोल रेस्पिरेशन बाय स्केलेटल मसल ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, स्केलेटल मसल जो होती है ब्रीदिंग की, उसको कंट्रोल करता है। तो ड्यू टू लेंथीनेस ऑफ पेपर वी हैव डिवाइडेड इट इन टू पार्ट्स, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।